उत्तर पूर्वी क्षेत्रवासीहरूले विगत 500 वर्ष अघिदेखि मिथुन, जसको वैज्ञानिक नाम बोस फ्रन्टारिस, प्रजातिको घरमा पालिने पशुपालन गरिरहेको छ। विशेष अरुणाचल प्रदेश अनि नागाल्यान्डमा पाइने मिथुन प्राणी ठण्डा जलवायु भएको ठाउँहरूमा मौलिएको देखिएको छ। महिला प्रजातिको मिथुनले 35 देखि 36 लिटरसम्म दुध दिने गरेकोले कृषकहरूले प्रचुर मात्रामा लाभ उठाइरहेका छन्। नेशनल रिसर्च सेन्टर अफ मिथुन एन्ड एनिमल हस्बेन्ड्रीका प्रमुख डाक्टर अभिजित मित्रले मिथुन प्रोजेक्टलाई पश्चिम बङ्गालमा पनि लागू गराई यस क्षेत्रका कृषकहरूलाई अरुणाचलमा लगेर मिथुन पालनको निम्ति निशुल्क प्रशिक्षण गराउने बताएका छन्। सर, आज के जी मिथुन के बारे में कार्यक्रम कर रहा है सर, ये तो हम लोग देखते थे हिंदुस्तान में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, हम लोग देख रहा था इतना दिन। इस प्रोजेक्ट आप लोग वेस्ट बंगाल में लेके आ रहा है, तो इसके एक्चुअल मकसद क्या है आप लोग को इस एक एसोसिएशन का रिसोर्स सेंटर? देखिए, हमारा जो रिसर्च सेंटर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, जैसे कि आपको बताया कि ये दुनिया में एकमात्र संस्थान है, और हमारा मेन मकसद है कि मिथुन के बारे में जितना हमारा पास इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना और मिथुन फार्मिंग को, मिथुन का पालन को थोड़ा देश में बढ़ावा देना। आपको भी ये भी पता है कि हमारा देश में खेती के ऊपर जितना लोग निर्भर करते हैं, खेती से उनका इनकम पूरा नहीं होता, तो जहाँ पे भी पशुपालन का एक हिस्सा जुड़ जाता है तो एक स्टेबल इनकम के स्रोत में फार्मर को फायदा होता है। और जैसे कि डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम भी एक मकसद है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में एक प्रयास कर रहा है कि भारतवर्ष में जहाँ पे भी इसका पालन संभव है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पे इसका थोड़ा प्रचार और प्रसार किया जाए। आपके सर, कौन साल से डोमेस्टिक एनिमल से हिसाब से इसका पालन कर सकता है भाई? मिथुन प्रजाति का जो बाइसन प्रजाति बोलते थे हम लोग, लेकिन इसको तो जो नेचुरल टाइप बहुत हिंसे होते थे ना, लेकिन इसको बारे में आप बोल रहे थे बहुत स्मूथ है, इस बारे में आपको क्या कहना? देखिए, आज से करीब 500 साल पहले से मिथुन को जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत का जो ट्राइबल लोग हैं उन लोग डोमेस्टिक एनिमल हिसाब से पालते आ रहे हैं। और ये लोग मन में गलत फहमी है कि मिथुन एक जंगली जानवर है और वो हिंस्र है, ये बिल्कुल सत्यता नहीं है। और जिसको आप हिंस्र जंगली बोलते हैं वो एक्चुअली इंडियन बाइसन और गौर जो है, देखने में, दूर से देखने में मिथुन जैसे लगता है, लेकिन मिथुन और गौर और इंडियन बाइसन बिल्कुल दो अलग प्रजाति का जानवर है। इंडियन बाइसन वाइल्ड लाइफ एक्ट में वो जंगली जानवर के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन मिथुन संपूर्ण रूप में पालतू पशु है, डोमेस्टिक एनिमल है, और इसको खाली पालने के लिए लोग जंगल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि मिथुन इज ए डोमेस्टिक एनिमल रेयर अंडर ए फ्री रेंज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अपने हिंदुस्तान में तो बहुत सारे हिल्स स्टेट है, जैसे अपना सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो उस जगह पे भी आप लोग इस रिसर्च सेंटर इस प्रयास जारी रख रहे हैं? देखिए, हमारा सिक्किम में आप अगर जाएंगे तो सिक्किम में बहुत सारे मॉनेस्ट्री ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी एक तो दो ठो मिथुन आपको मिल जाएगा ये मॉनेस्ट्री में। भूटान में, हमारा भारत के जस्ट बाहर, भूटान में मिथुन के बहुत प्रचलन है, लेकिन किसी कारण से, जो भी कारण रहा, सिक्किम में इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, और मेघालय एक स्टेट है जहाँ पे इसका प्रचार नहीं हुआ। तो हम लोग उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि मिथुन के बारे में थोड़ा सिक्किम में और मेघालय में, इवन केरला में भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से भी हमारे पास लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें मिथुन प्रजाति का थोड़ा प्रचलन किया। सर, मिथुन और याक में क्या फर्क दिख रहा है सर? नहीं, मिथुन और याक में बहुत फर्क है। देखिए, याक भी तो डोमेस्टिक एनिमल से बोलते हैं। देखिए, मैं आपको सहज रूप से बताता हूँ, भगवान ने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ पे गाय खत्म होती है वहाँ पे मिथुन शुरू होता है अराउंड 300 मीटर सी लेवल में, और जहाँ पे मिथुन खत्म होता है 3000 मीटर सी लेवल में, वहाँ पे याक नहीं चमड़ी गाय का शुरुआत होता है। याक और देखने में छोटा है और उसके शरीर में लोम होता है, और याक 10,000 फीट तक जा सकता है, लेकिन मिथुन 10,000 फीट के ऊपर नहीं बढ़ सकता। और इसका फूड का वैल्यू जब मैं बता रहा था, इसका मतलब कैलोरी ज्यादा है, बहुत कुछ है, दूध का कैलोरी वैल्यू ज्यादा है, मीट का लीन मीट है ना, उसका फैट का परिमाण कम है और नेचुरली ऑर्गेनिक है।
क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, तो एकमात्र मीट है जो नेचुरली ऑर्गेनिक। आज के इस प्रोग्राम को यहाँ पे कर रहा है, इस प्रोग्राम होने के बाद यहाँ का जो फार्मर लोग जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोग को फिजिकली ट्रेनिंग के लिए आप लोग नागालैंड लेंगे? बिल्कुल, हमारा संस्थान पूरा भारतवर्ष से आए हुए लोगों को ट्रेनिंग देता है। तो हमने अभी डीएम साहब से भी बात किया और यहाँ के जो अधिकारी लोगों से भी कि हम लोग यहाँ का जो फार्मर लोग हैं इनको बारी बारी में 25-30 के ग्रुप में हम ले जाके हमारा वहाँ पे 3 दिन का ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद सीडीसी के साथ मिलके कैसे इस जानवर को यहाँ पे लोग पाल सकते हैं इसके बारे में प्रशिक्षण, जो फार्मर इंटरेस्टेड है इसके पालन करने डोमेस्टिक एनिमल हिसाब से उनकी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पे ट्रेनिंग करवाएंगे या उनको जो ट्रेनिंग का कॉस्ट फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उनके एकेडमिशन आने जाने का? आने जाने का देखिए हमारे पास एक ट्राइबल सप्लाइंग पूल के फंड है होता है जिसको TSP फंड बोलते हैं। कोई भी अगर ट्राइबल चाषी भाई है जो ST कैटेगरी में है उनका पूरा खर्चा हमारा संस्थान पूरा वहन लाएगा, आने जाने का खर्चा, वहाँ पे रहने का खर्चा पूरा भी आएगा। अगर बहुत जनरल भी अपना फार्मर है ये तो मैं आपके पास जो व्यवस्था है वो आपको बताया और बाकी लोगों के लिए सीरीज के साथ मिलके कैसे व्यवस्था हो सकता है वो भी देखा जा सकता है।